लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मोटा अनाज स्वादिष्ट होने के साथ साथ बेहद पौष्टिक भी होता है। शरीर के विकास के लिए अपने आहार में मोटा अनाज लेना बेहद जरूरी है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मरुआ, मक्का, जौ, कोदो, बाजरा, कांगनी, चीना आदि पौष्टिकारक चीजें शामिल हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी फिट और तंदुरुस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोटा अनाज बेहद पसंद है और देश की हर थाली में इसकी मौजूदगी के लिए उन्होंने 2018 में खास अभियान चलाया था। नतीजा, यूएन ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में पाए जाने वाले मोटे अनाज मड़ुए की। मड़ुए के आटे से बनी रोटियां बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। रोटी के साथ साथ मार्केट में अब मड़ुए के मोमोज, चाउमीन, समोसे, बर्गर, यहां तक के चाय भी मिलने लगी है। मड़ुए की बिस्किट तो स्वामी रामदेव पहले ही ला चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मड़ुआ बेहद पसंद है, वे इसके मुरीद हैं। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज पूरा विश्व मड़ुए की अहमियत को समझ रहा है। उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में मड़ुए को रागी के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष होने का ऐलान कर डाला है। कभी वो दौर था कि हर भारतीय घर की थाली में कोई न कोई मोटा अनाज जरूर नजर आता था, लेकिन धीरे धीरे खानपान के तरीके इस कदर बदले कि थाली में अनाज कम और जंक फूड ज्यादा नजर आने लगा। देश का हर नागरिक सेहतमंद रहे इसके लिए सुपरफूड मिलेट्स को हर घर की पसंद बनाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सदस्यों से मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही। केंद्र सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में पैदा होने वाले मड़ुए की खरीद करेगी। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को फसल वर्ष 2022-23 के लिए मड़ुए की खरीद का जो प्रस्ताव भेजा था, केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के पर्वतीय जिलों के किसानों को बहुत फायदा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार व्यक्त किया है। हम लोगों ने भारत सरकार को एक अनुरोध किया था कि उत्तराखंड राज्य का जो हमारा मोटा अनाज है मड़ुआ, उसको जो है जो हमारा अनाज बांटा जाता है जो भारत सरकार की योजना में, उसमें उसको सम्मिलित किया जाए, तो उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। और इसकी सहमति होने से जहां हमारे बच्चों को ये मोटा अनाज मिल पाएगा मड़वा, जो कि पौष्टिक भी है हर प्रकार से, वहीं उसके उत्पादकों को एक बड़ी मार्केट मिलेगी, उनको आगे अपना जो प्रोडक्शन है उसमें करने में भी सहायता मिलेगी। कहीं ना कहीं जो मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया है उसकी शुरुआत भी यहाँ से हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि और हमारे यहाँ के उत्पाद, जो कि मड़वा हमारा पारंपरिक खेती के रूप में जाना जाता है, उसको अब भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है। भारत सरकार ने हमको जो है उसको बांटने की अनुमति प्रदान की है। मड़वा उत्पादकों के लिए भी बहुत बड़ी बात है और उत्तराखंड राज्य के लिए सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इसी महीने भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को फसल वर्ष 2022-23 के मोटे अनाज की प्रोक्योरमेंट के लिए प्लान प्रेषित किया था। भारत सरकार ने उत्तराखंड के प्रोक्योरमेंट प्लान को स्वीकार करते हुए मोटे अनाज के 0.096 लाख मीट्रिक टन के प्रोक्योरमेंट की अनुमति दी है। मड़ुए के प्रोक्योरमेंट की अनुमति फसल वर्ष 2022-23 के लिए दी गई है। मड़ुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,574 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। ये राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों की आमदनी बढ़ाने के लिए अभिनव प्रयास सिद्ध होगा। प्रथम चरण में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पायलट योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा एवं पौड़ी जिले के कृषकों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मड़ुआ खरीद योजना लागू की जाएगी। क्रय किए गए मड़ुए को प्रथम चरण में राज्य के मैदानी जनपद उधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून तथा नैनीताल जनपद के मैदानी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किया जाएगा। इस योजना से उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून तथा नैनीताल जिलों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लगभग 8 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, जिनको प्रतिमाह प्रति कार्ड 1 किलोग्राम मड़ुआ निःशुल्क दिया जाएगा। राज्य के पर्वतीय जिलों में मड़ुए का क्रय सहकारिता विभाग द्वारा अल्मोड़ा जिले में संचालित 20 क्रय केंद्रों, पौड़ी जिले में 11 क्रय केंद्रों पर क्रय कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इसका वितरण पात्र लाभार्थियों को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रथम चरण में 9,600 मीट्रिक टन मड़ुआ क्रय किए जाने की कार्य योजना को किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार पर लगभग 45 करोड़ व्यय भार आएगा। अब उत्तराखंड के हर बेरोजगार व्यक्ति को मड़ुए की खेती करनी चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मड़ुए के अच्छे दाम मिल सके और उत्तराखंड में एक नया व्यवसाय पैदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक
आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।